Hello children, how are you all? I hope you all are doing good and today you are ready to start your book Jelly Bean Journeys in Social Studies Class 8 by Brain Root Series. And this is your learning buddy Aprajita. So here we start with chapter number 2. From trade to territory, the company establishes power. ट्रेड से शुरू करके टेरिटरीज तक कैसे कंपनी ने अपनी पावर को स्टैब्लिश किया. सो विच कंपनी आर दे टॉकिंग अबाउट, लेट्स रीड हियर. सम एंड सब्सटेंस, कौन कौन से टॉपिक्स करेंगे हम इस चैप्टर में. अबाउट द मर्केंटाइलिज्म एंड द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया. अबाउट राइवलरीज एंड बैटल्स अमंग द ट्रेडिंग कंपनीज. About the rise of British dominance in India. British ka rise kaise hua India mein. How the British conquered Bengal, Mysore, Punjab, etc. British ne Bengal, Mysore aur Punjab pe apna kabza kaise kiya. About the subsidiary alliance system and the doctrine of lapses. About the administrative structure of East India Company. About the policy reforms. How the British excluded Indians from higher post in the civil services. Okay? So now, retrieve. Let's find out what are the things that you can interpret from the painting about the relationship between the people and the officials. यहाँ एक painting दी गई है and इसमें कुछ लोग यहाँ खड़े हैं. There are some officials here. Few officials are on the horse. कुछ लोग हॉर्स पे हैं, कुछ यहाँ खड़े हुए. इससे क्या समझ में आ रहा है आपको कि रिलेशनशिप जो लोगों में, आम जनता और ऑफिशियल्स में कैसा रिलेशनशिप था. सो वील कम टू नो अबाउट दिस रिलेशनशिप ऑल्सो वेन वी रीड द चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर चिल्ड्रन. इंट्रोडक्शन. द मुगल एम्पायर फाउंडेड बाय बाबर इन 1526 बिगैन टू डिक्लाइन फॉलोइंग द डेथ ऑफ औरंगजेब, the last ruler of the great Mughals in 1707. अब 1707 में जो last ruler था Mughals का, कौन? औरंगजेब. उसकी death के बाद जो Mughal Empire था, बाबर ने जो जिसको find किया था Mughal Empire को, जिसने बनाया था 1526 में, वो decline होने लगा, उसका downfall होने लगा. After औरंगजेब there was no powerful Mughal ruler, but Mughal emperors continued to be symbolically important. और औरंगजेब के बाद कोई पावरफुल मुगल रूलर नहीं था, लेकिन जो मुगल एम्परर्स थे वो अब भी सिम्बॉलिकली इम्पॉर्टेंट थे. In fact, when a massive rebellion against British rule broke out in 1857, Bahadur Shah Zafar, the Mughal emperor at the time, was seen as the natural leader. लेकिन जब एक मैसिव रेबेलियन हुआ, जो रिवोल्ट हुआ था 1857 का, उसमें बहादुर शाह जफर जो मुगल एम्परर थे उस टाइम पे, वो एक नेचुरल लीडर की तरह दिखे. वंस द रिवोल्ट वॉज पुट डाउन बाय द कंपनी, बहादुर शाह जफर वॉज फोर्स टू लीव द किंगडम एंड हिज सन्स वर शॉट इन कोल्ड ब्लड. नाउ मर्केंटाइलिज्म एंड द एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन ट्रेड. यूरोपियन ट्रेड का एक्सपेंशन कैसे हुआ. Mercantilism as an economic theory and practice became popular in Europe from the 17th century. It held that the prosperity of a country depended on its capability to produce more than it consumed and export more than it imported in order to maintain a positive balance of trade. Ab isme kya tha, mercantilism mein ye tha ki wo country, उसकी प्रॉस्पेरिटी को तभी माना जा सकता है जब वो कंट्री अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा प्रोड्यूस, कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर, जितना वो कंज्यूम करती है कंट्री चीज़ों को, उससे ज़्यादा वो प्रोडक्शन कर सके और जितना भी वो एक्सपोर्ट करती है, जितना वो इम्पोर्ट करती है उससे ज़्यादा वो एक्सपोर्ट कर सके, तो तभी वो पॉजिटिव बैलेंस ट्रेड में बना रहेगा. ओवरसीज trade carried out by the sea routes was the most important feature of the practice of mercantilism. Now,
अराइवल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का अराइवल कब हुआ? द ईस्ट इंडिया कंपनी EIC वॉज एस्टैब्लिश्ड इन लंडन इन द ईयर 1600 बाय अ रॉयल चार्टर इशूड बाय क्वीन एलिजाबेथ I, द क्वीन ऑफ इंग्लैंड. इंग्लैंड की जो क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ I, एक रॉयल चार्टर इशू किया गया था 1600 में. तो उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी को स्टैब्लिश किया गया था लंदन में. अकॉर्डिंग टू दिस चार्टर द कंपनी गॉट द सोल राइट्स ऑफ द ट्रेड इन द ईस्ट इंडीज विच इंक्लूडेड ऑल प्लेसेस ईस्ट ऑफ केप ऑफ गुड होप. अब इस चार्टर में क्या था? जो चार्टर था उसमें कंपनी को सोल राइट्स मिल गए थे क्या करने के लिए? ट्रेड करने के लिए ईस्ट इंडीज में. कैप्टन हॉकिंस of the English East India Company arrived at the Royal Court of Jahangir in 1608. To, अब कैप्टन हॉकिंस कहाँ आए? 1608 में जहांगीर के कोर्ट में. क्या करने? To seek permission to set up an English trading center at Surat. कैप्टन हॉकिंस जो थे वो परमिशन लेने आए थे जहांगीर से कि वो एक इंग्लिश ट्रेडिंग सेंटर सूरत में स्टैब्लिश कर सके. Jahangir did not grant permission to Hawkins as the Portuguese were putting pressure on him not to do so. लेकिन जहांगीर ने refuse कर दिया, Hawkins को permission नहीं दिया, क्योंकि जो Portuguese थे वो pressure डाल रहे थे उसके ऊपर कि ऐसा वो ना करे, वो permission ना दे. Sir Thomas Roe came to India as an ambassador of James I, the King of England, to the Mughal court in 1613. He obtained permission from Jahangir to establish English trading factories in different parts of India. और जो James I थे, ambassador of James I, the King of England, उन्होंने क्या permission ली जहांगीर से? English trading factories अलग अलग parts, India के अलग अलग parts में establish करने की. The English established their factories at Agra, Ahmedabad and Baroch by 1623. इन तीन जगहों पर उन्होंने अपने जो फैक्ट्रीज थी वो स्टैब्लिश की इंग्लिश. द मुगल्स वेलकम्ड द इंग्लिश टू काउंटर बैलेंस द प्रीडोमिनेंस ऑफ द पोर्चुगीज एंड लेटर ऑफ द डच. द ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी बास्किंग इन द गुडविल ऑफ द मुगल्स सिक्योर्ड द मीन्स ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेड. और 17th सेंचुरी में, ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी क्या हुआ? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो मुगल्स के तो गुडविल में थी, उसने सिक्योर द मीन्स ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेड एक स्टैब्लिश कर लिया. द इंग्लिश डेवलप मार्केट्स इन यूरोप फॉर अ वैरायटी ऑफ इंडियन प्रोड्यूस इंक्लूडिंग इंडिगो, अ ब्लू डाई. इंडिगो एक ब्लू कलर का डाई होता है. एंड सॉल्पेटर. दे फाउंड अ बिग डिमांड फॉर फाइन क्वालिटी हैंडलूम इंडियन टेक्सटाइल्स एज कंज्यूमर इकोनॉमी प्रॉस्पर्ड इन ब्रिटेन. ब्रिटेन में क्या हुआ? कंज्यूमर इकोनॉमी जो थी वो बढ़ गई. द डिमांड फॉर इंडियन फैब्रिक सच एज चिन्स, कैलिको एंड मसलिन ऑल्सो इंक्रीज रैपिडली आफ्टर 1660. और 1660 के बाद इन चीज़ों की जो डिमांड थी वो बढ़ गई. दे ऑल्सो ट्रेडेड इन स्पाइसेस. स्पाइसेस मीन्स मसाले. ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल. अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेड कहाँ शुरू किया? बंगाल में. इन 1651 द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली. रिवर हुगली के बैंक्स में 1651 में पहला इंग्लिश फैक्ट्री एस्टैब्लिश की गई. फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स द ट्रेड ऑफ बंगाल हैड ग्रोन very profitable for the East India Company. अब early 18th century से के शुरुआत से जो ट्रेड था बंगाल का वो बहुत profitably grow किया उसने, किसके लिए? East India Company. In 1691, Aurangzeb issued a firman that granted the English the right to duty-free trade in Bengal for an annual payment of rupees 3000. अब 1691 ने औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया, उसमें क्या था? उन्होंने इंग्लिश को ये राइट दे दिया था ड्यूटी फ्री ट्रेड करने के लिए बंगाल में. और कितना? एनुअल पेमेंट पर ओनली रुपीज 3000. द इंग्लिश वर ग्रांटेड द जमींदारी राइट्स इन द थ्री विलेजेस ऑफ कलिकता, सुतनाती एंड गोविंदपुर.
These villages combined to form Calcutta, now Kolkata. और ये जो तीन villages जिनकी जमींदारी जो है English को दे दी गई थी, इन तीन villages को मिलके बना Calcutta, जिसका कि आज कोलकाता कहा जाता है. In 1717, Farrukh Siyar, the Mughal emperor, granted the company the right to carry out duty-free trade. अब 1717 में फारूक सियार जो मुगल एम्परर थे, उन्होंने कंपनी को ये राइट दे दिया था कि वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं. हाउएवर दिस बिकेम अ मैटर ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द न्यू ऑटोनोमस रूलर मुर्शिद कुली खान, हु रिफ्यूज टू एक्सटेंड द राइट टू ड्यूटी फ्री ट्रेड टू द प्राइवेट कंपनीज ऑफिशियल्स. अब लेकिन ये एक कॉन्फ्लिक्ट बन गया था, जो ऑटोनोमस रूलर थे मुर्शिद कुली खान, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था ये राइट देने से, जो ड्यूटी फ्री ट्रेड का जो राइट था. मुर्शिद कुली खान वॉज फॉलोड बाय मुर्शिद कुली खान के बाद आए अलीवर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल. Each one of them was a strong ruler. Murshid Kuli Khan, Aliwardi Khan aur Sirajuddaula. Tino hi bahut strong ruler the. They refused to grant the company concessions, demanded large tributes for the company's right to trade, denied it any right to mint coins and stopped it from extending its fortifications. Ab in tino ne hi kya kiya? Unhone jo grant, jo company ko concessions diye gaye the, usko mana kar diya. Demanded large tributes for the company's rights और coins mint करने के लिए मना कर दिया था, और उनको कोई भी fortifications जो थे वो extend करने से मना कर दिए थे. Accusing the company of deceit, they claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amount of revenue and undermining the authority of the Nawab. उनका कहना था कि ये जो कंपनी है ये डिसीट करती है, ये धोखा देती है और कंपनी को डिप्राइव कर दिया था. बंगाल कंपनी क्या कर रही है कि वो बंगाल गवर्नमेंट को डिप्राइव कर रही है बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू से, और नवाब की अथॉरिटी को अंडरमाइन कर रही है. इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, राइटिंग डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल्स. नाउ AI फैक्ट्स. The East India Company was probably the most powerful corporation in history. सबसे ज़्यादा powerful corporation history में कौन सी थी? East India Company. The company declared on its part that the unjust demands of the local officials were ruining the trade of the company and trade could flourish only if the duties were removed. अब जो company थी उन्होंने क्या कहा कि जो अनजस्ट डिमांड है लोकल रूलर्स के, लोकल ऑफिशियल्स के, वो कंपनी के ट्रेड को बर्बाद कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं. और ट्रेड तभी अच्छा हो सकता है जबकि उस पे से ड्यूटीज हटाई जाए. इट वॉज ऑल्सो कन्विंस्ड दैट टू एक्सपैंड ट्रेड इट हैड टू एनलार्ज इट्स सेटलमेंट्स, बाय अप विलेजेस एंड रीबिल्ड इट्स फोर्ट्स. नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? The conflicts led to the confrontations and finally culminated in the famous Battle of Plassey. और ये जो conflicts चल रहे थे company और rulers के बीच में, जो local officials थे उनके बीच में, इसने किसका form ले लिया? Battle of Plassey का. Now comes the conquest of Bengal. At the time, the kingdom of Bengal included the provinces of Bengal, Bihar, included present-day Bihar and Jharkhand, and Orissa. Now, the Battle of Plassey, 1757. In the year 1757, the armies of the company and the Nawab of Bengal clashed in the Battle of Plassey. अब 1757 में क्या हुआ? जो armies थी company की और जो Nawab थे, Bengal के जो Nawab थे, उनका clash हुआ Battle of Plassey में. In this battle, Sirajuddaula was defeated and killed. जो नवाब थे बंगाल के सिराजुद्दौला, उनको इस वॉर में क्या मिला? इस बैटल में हार मिली और उसको मार दिया गया. One of the major causes of this defeat was the non-participation of the Nawab's commander-in-chief Mir Jafar in the battle. और इसका एक major cause, जो defeat का, जो हारने का major cause था,
सिराजुद्दौला के हारने का वो था जो उनके कमांडर इन चीफ थे मीर जाफर, उन्होंने इस बैटल में पार्टिसिपेट नहीं किया था। मीर जाफर हैड एंटर्ड इनटू नेगोशिएशंस विद द ब्रिटिश, वो ब्रिटिश के साथ नेगोशिएशंस में मिल गए थे। द ब्रिटिश हैड प्रॉमिस्ड टू मेक हिम द नवाब ऑफ बंगाल इन रिटर्न फॉर अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एंड ट्रेडिंग प्रिविलेजेस, और ब्रिटिश ने मीर जाफर को प्रॉमिस किया था कि वो उसे बंगाल का नवाब बना देंगे और उसके बदले में बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी का डिमांड किया था और ट्रेडिंग प्रिविलेजेस मांगे थे। सी दिस इज द बैटल ऑफ प्लासी। ओके चिल्ड्रन, नाउ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी के कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या थे? द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट फ्री ट्रेडिंग राइट्स। Then the British got the zamindari of 24 parganas and became the de facto rulers of Bengal. And the British were able to utilize the resources of Bengal to maintain a large army. Interpretation: Palasi is an anglicized pronunciation of Palashi, and the place derived its name from the Palash tree, known for its beautiful red flowers that yield gulal, the powder used in the holy festival. अब प्लासी जो है वो किससे निकला है? ये word प्लासी पलाशी से, और and the place derived its name, और ये जो पलाशी जगह थी ये किससे निकला? ये पलाश के जो फूल होते हैं जो कि जिससे कि गुलाल बनाया जाता है, ब्यूटिफुल रेड फ्लावर्स जो कि होली में यूज होते हैं। नेक्स्ट कम्स द बैटल ऑफ बक्सर 1764। The British victory in the Battle of Plassey gave them political control over Bengal. अब Battle of Plassey में जीतने के बाद उनको control मिल गया Bengal पे. They were able to place their puppet rulers Mir Jafar and later Mir Qasim as the Nawabs of Bengal. और उन्होंने उनके जो कठपुतली थी, जो मुगल rulers जो उनके हाथ की कठपुतली थे, Mir Jafar और बाद में Mir Qasim, इनको Nawab बना दिया Bengal का. In the beginning, Mir Qasim assigned the Jagir of Burdwan, Midnapur and Chittagong to the company and gave valuable presents to its officers. However, he proved to be a capable ruler who attempted to improve the administration from the very beginning of his rule. Jo Mir Qasim tha, wo ek capable ruler sabit hua. He did not wish to remain a puppet which angered the British. और वो ज़्यादा दिन तक ब्रिटिश के हाथों की कठपुतली नहीं बना रहा जिससे कि ब्रिटिशर्स जो हैं उनको गुस्सा आ गया। मीर कासिम वॉज डिफीटेड बाई द ब्रिटिश इन 1763, और 1763 में ब्रिटिश ने मीर कासिम को हरा दिया। ही फ्लेड टू अवध, वो कहाँ भाग गया? अवध, एंड फॉर्म्ड एन अलायंस विद द नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला एंड मुगल एम्परर शाह आलम टू। मीर कासिम वहाँ से भाग के अवध पहुँचा और वहाँ उसने हाथ मिला लिया किससे? जो अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला और मुगल एम्परर शाह आलम टू से। द कंबाइंड आर्मी वॉज डिफीटेड बाई द ब्रिटिश फोर्सेज एट बैटल ऑफ बक्सर इन अक्टूबर 1764। लेकिन इनकी जो कंबाइंड आर्मी थी इन तीनों की, शुजाउद्दौला, शाह आलम और मीर कासिम की, इसको भी ब्रिटिशर्स ने हरा दिया बैटल ऑफ बक्सर में 1764. Consequences of the Battle of Buxar. Of Battle of Buxar ke consequences kya tha? The Mughal Emperor became the pensioners of the British. In the settlement with the Nawab of Bengal, the English got the right of Diwani, unko Diwani rights mil gaye, or the right to collect revenue of the province of Bengal, Bihar and Orissa. English ko दीवानी राइट मिल गया, मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट, कहाँ कहाँ का? बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। बोथ द नवाब ऑफ बंगाल एंड द मुगल एम्परर बिकेम डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिश। ड्यूअल गवर्नेंस इन बंगाल 1765 to 1772। अब ये ड्यूअल गवर्नेंस क्या था? रॉबर्ट क्लाइव सेट अप द इनफेमस ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल विच गेव द ब्रिटिश द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। अब रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था? एक इनफेमस ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो था वो बंगाल में लागू कर दिया था जिससे कि ब्रिटिश को राइट मिल गया था रेवेन्यू कलेक्शन का। अंडर द ड्यूअल और डबल गवर्नमेंट सिस्टम द कंपनी गॉट बोथ दीवानी means revenue and Nizamat, civil administration.
the right of Nizamat, including maintenance of law and order, dispensation of criminal justice, and that of defending the frontiers, remained with the Nawab, who was paid an annual amount by the British to meet the expenses. जो निज़ामत राइट्स थे जिसमें कि मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर था या डिस्पेंसेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस था या डिफेंडिंग द फ्रंटियर्स था वो नवाबों के पास ही रहा. दिस अरेंजमेंट ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट वॉज पुट टू एन एंड अंडर गवर्नर जनरल वॉरन हेस्टिंग्स इन 1772. लेकिन 1772 में जो गवर्नर जनरल थे वॉरन हेस्टिंग्स, उन्होंने इस ड्यूअल गवर्नमेंट का एंड कर दिया. कलकत्ता वॉज मेड द कैपिटल of the seat of power of British in India. It was later in 1911 that Delhi was declared as the capital of India. Now, conquest of Mysore. The expansion of Mysore under Hyder Ali alarmed the officials of EEIC, means English East India Company. ये जो मैसूर का expansion हुआ हैदर अली के अंदर, उसने alarm एक दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को. इट लेड्स टू द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑपोजिशन दैट द ब्रिटिश हैड टू फेस इन इंडिया केम फ्रॉम मैसूर अंडर द लीडरशिप ऑफ हैदर अली एंड हिज सन टीपू सुल्तान. और सबसे बड़ा ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन जो ब्रिटिश के सामने आया, वो आया कहाँ से? मैसूर से. जिसके लीडरशिप में था वो हैदर अली के लीडरशिप में और उसके बेटे टीपू सुल्तान के. Anglo-Mysore Wars, 1767 to 1799. Hyder Ali was the ruler of Mysore between the years 1761 to 1782. Hyder Ali कहाँ के ruler थे? Mysore के. During his reign, he and his son Tipu Sultan, वो और उनका बेटा Tipu Sultan, did not allow trade with the British. This enmity caused the four wars between Mysore and the British between the years 1766 to 1799. और ये जो ट्रेड अलाउ नहीं किया ब्रिटिश के साथ टीपू सुल्तान और उनके उनके फादर हैदर अली ने, उस कारण क्या हुआ? ये फोर वॉर्स हुए, मैसूर वॉर्स. दीज वॉर्स वर नोन एज एंग्लो मैसूर वॉर्स. फाइनली इन 1799 द ब्रिटिश कैप्चर्ड श्रीरंगापट्टनम in the fourth Anglo-Mysore war, and Tipu Sultan was martyred in the war. Ab finally in 1799 mein British ne Srirangapatnam ko capture kar liya fourth Anglo-Mysore war mein, aur Tipu Sultan was dead. The defeat of Mysore made way for the British to establish their supremacy over most of India. Aur ye Mysore ke defeat se British ko ek supremacy mil gayi ज़्यादातर पार्ट्स में रूल करने के, इंडिया के ज़्यादातर पार्ट्स में. सी हैदर अली एंड टीपू सुल्तान. नाउ वॉर अगेंस्ट मराठास. मराठास के अगेंस्ट जो वॉर्स हुए थे, लाइक मैसूर द मराठास आल्सो पोज्ड अ चैलेंज टू द ब्रिटिश. द ब्रिटिश रिगार्डेड द मराठास एज द ग्रेटेस्ट ऑब्स्ट्रक्शन इन द फुलफिलमेंट ऑफ देयर एम्बिशन फॉर बिल्डिंग एन एम्पायर इन इंडिया. मैसूर की तरह मराठास ने भी क्या किया? चैलेंज दिया ब्रिटिश को, और ब्रिटिश के सामने ये सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन था, सबसे बड़ी रुकावट थी मराठास. एंग्लो मराठा वॉर 1775 टू 1818. द थर्ड पेशवा बालाजी बाजी राव कुड नॉट विदस्टैंड द शॉक ऑफ द डिफीट ऑफ द मराठास इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत एंड डाइड ऑन 23 जून 1761. अब जो थर्ड पेशवा थे बालाजी बाजी राव, जब ये डिफीट हुए मराठास थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, तो वो शॉक नहीं झेल पाए और उनकी डेथ हो गई 23 जून 1761. ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन माधव राव. आफ्टर हिम हिज सन केम, माधव राव केम. ही केप्ट इन चेक द एम्बिशन ऑफ हिज अंकल रघुनाथ राव एंड मेंटेन्ड यूनिटी अमंग द मराठा चीफ्स एंड नोबल्स एंड वेरी सून recovered the power and prestige of the Marathas, which they had lost in the third battle of Panipat. जो third battle of Panipat में अपना prestige खो चुके थे Marathas, उसको prestige और power उसको वापस लाए. The English became conscious of the growing power of the Marathas and wanted to crush their resurgence.
ये जो मराठा दोबारा से पार में आए थे, इससे इंग्लिश जो है वो सतर्क हो गए. दे गॉट दिस अपॉर्चुनिटी वेरी सून आफ्टर द डेथ ऑफ माधव राव इन 1772, एज 27 ईयर्स. और ये मराठा के पार को क्रश तो करना ही चाहते थे ब्रिटिश, और उनको ये मौका कब मिला, जब माधव राव की 1772 में डेथ हुई, जस्ट एट द एज ऑफ 27 ईयर्स. द ब्रिटिश फॉट 3 वॉर्स with the Marathas and finally crushed their power and brought the Maratha territory under their control. और ये जो 3 वॉर्स हुए मराठास के साथ, उसमें finally उन्होंने क्या किया, मराठा पावर को क्रश कर दिया. थर्ड बैटल ऑफ पानीपत. नाउ चिल्ड्रन, स्पॉट इंस्पेक्ट, व्हाट विच बैटल डिड टीपू सुल्तान फाइट विद द ब्रिटिश एंड व्हेन एंड व्हाई वाज इट फॉट. टीपू सुल्तान ने कौन सी लड़ाई लड़ी थी ब्रिटिश के साथ? इट वॉज द 4th एंग्लो मैसूर वॉर इन 1799. और क्यों लड़ी गई थी, दैट यू हैव रेड जस्ट नाउ. एक बार फिर से पढ़ के यू हैव टू राइट डाउन कि ये जो बैटल हुआ था टीपू सुल्तान और ब्रिटिश के बीच में क्यों हुआ था. What's the consequences of Anglo-Maratha Wars battles? अभी हमने consequences पढ़े Anglo-Maratha Wars के, so please write it down. Instruments of British expansion. The British supremacy was established by 2 main methods. जो British की supremacy हुई थी वो 2 चीज़ों के कारण हुई थी, 2 main methods थे उसके, direct and indirect annexation. The conquest was led by Lord Dalhousie and was the result of East India Company's army defeating the Sikh Empire in the Battle of Gujarat on February 21, 1849. अब ये जो conquest था इसको lead किसने किया था? Lord Dalhousie ने. और and it was the result of East India Company की जो army थी उसने Sikh Empire को defeat किया था Battle of Gujarat में. Annexation of Indian territories was also done indirectly through subsidiary alliance and the doctrine of lapse. In do cheezon ke through bhi indirectly jo annexations hue the wo bhi ek method tha. To aaiye ab padhte hain subsidiary alliance ke bare mein. The subsidiary alliance was initiated by Marquess Wellesley, Governor General of India from 1798 to 1805. उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के मार्क्विस वेलेस्ली, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था सब्सिडरी अलायंस. द मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू गेन कंट्रोल ओवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिया विदाउट डायरेक्ट वॉर्स. इंडिया पे कब्जा करना लेकिन बिना किसी डायरेक्ट लड़ाई के. द मेन प्रोविजंस ऑफ द सिस्टम इंक्लूडेड द ब्रिटिश अग्रीड टू मेंटेन अ परमानेंट एंड फिक्स्ड मिलिट्री ट्रूप्स within the territory of their ally to fight the rivals of the ally. अब जो ब्रिटिश थे उन्होंने किस पे अग्री कर लिया था कि वो मेंटेन करेंगे एक फिक्स्ड मिलिट्री ट्रूप्स का विद इन द टेरिटरी ऑफ द एलिमी स्टेट. इन रिटर्न दे डिडंट टेक मनी बट टुक ओवर अ पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ द एली. उस जगह का, उस स्टेट का एक पार्ट ले लेते थे, वो मनी नहीं लेते थे उसके बदले में, एक पार्ट ले लेते थे वहाँ का. A British official called the resident was placed at the ally's court. The ally could not maintain any relation with any other ruler without the approval of the British. British ke approval ke bina wo kisi se bhi relation, kisi dusre ruler se relation nahi bana sakte the. Under the subsidiary alliance, Hyderabad 1798, Mysore 1799, Peshawar 1802 and Sindhia 1804, उदयपुर, जोधपुर एंड जयपुर 1818 केम अंडर द ब्रिटिश. ये सब जगह किसके अंडर आ गई? ब्रिटिश के अंडर, इस सब्सिडरी अलायंस के चलते. नाउ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. लॉर्ड डलहौजी हु वाज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 टू 1856, 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल थे इंडिया के, वो थे लॉर्ड डलहौजी. Use this policy as a means of extending the British rule. उन्होंने इस पॉलिसी का यूज़ किया, the doctrine of lapse का, क्या बढ़ाने के लिए, क्या एक्सटेंड करने के लिए? ब्रिटिश रूल को एक्सटेंड करने के लिए. In India, every Hindu had a right to adopt a male child as his heir.
in the absence of a natural heir. Natural किसी सक्सेसर के ना होते हुए हर एक इंडियन हिंदू को ये राइट था कि वो किसी को भी किसी मेल चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकता है अपने एज अ सक्सेसर. व्हेन ही केम टू इंडिया ही डिक्लेयर्ड दैट ओनली द ब्रिटिश हैड द राइट टू सैंक्शन और रिफ्यूज सच एन अडॉप्शन बाय अ डिपेंडेंट इंडियन रूलर. और जब लॉर्ड डलहौजी आया इंडिया तो उसने ये डिक्लेयर किया कि केवल ब्रिटिश ही ये राइट दे सकते हैं टू सैंक्शन या रिफ्यूज कर सकते हैं कि ये जो अडॉप्शन है जो इंडियन डिपेंडेंट इंडियन रूलर्स का अडॉप्शन वो राइट है या नहीं. इन केस ऑफ रिफ्यूजल द टेरिटरी ऑफ द रूलर विदाउट अ मेल हायर वॉज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश. और अगर परमिशन नहीं मिलती थी ब्रिटिश से रिफ्यूजल हो जाता था तो उस रूलर की जो टेरिटरी थी वो टेरिटरी ब्रिटिश ले लेते. सतारा 1848, संबलपुर 1815, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 एंड झांसी 1854 फेल विक्टिम टू दिस पॉलिसी. और इस पॉलिसी के चलते ये सब जो जगह थे ये ब्रिटिश के अंडर आ गए थे. नाउ स्पॉट एंड स्पेक चिल्ड्रन, राइट द फुल फॉर्म ऑफ ईईआईसी. सो ईईआईसी का फुल फॉर्म क्या है? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. सो राइट डाउन इंग्लिश East India Company. What could have been done to uproot the growing English East India Company in its earliest phase? अब English East India Company का जो earliest phase था, शुरू का जो phase था, उस time पे क्या क्या चीजें की जा सकती थी इनको हटाने के लिए? That we have read. What was the most important feature of the practice of mercantilism? The most important feature was to emphasize on the accumulation of wealth mainly in the form of gold and silver. Now, annexation of Awadh, Awadh ka annexation. The annexation of Awadh, also known as Oudh, by the British East India Company in 1856 was a significant event in the lead up to the Indian Rebellion of 1857. ये मेन कॉज था 1857 का जो रेबेलियन हुआ था उसका मेन कॉज था एनेक्सेशन ऑफ अवध. लेट्स रीड अबाउट अवध. अवध अ रीजन इन नॉर्दर्न इंडिया एनकंपासिंग पार्ट्स ऑफ व्हाट आर नाउ द इंडियन स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार. इट वॉज अ प्रॉस्परस एंड स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट एरिया. ये जो अवध था ये एक बहुत प्रॉस्परस और बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया था. नवाब वाजिद अली शाह द रूलर ऑफ अवध एट द टाइम ही वॉज सीन एज अ वीक एंड इन इफेक्टिव लीडर बाई बोथ द ब्रिटिश एंड सम ऑफ हिज सब्जेक्ट्स. ये जो नवाब वाजिद अली शाह थे उस टाइम पे रूलर थे अवध के, लेकिन वो सब बहुत वीक और इन इफेक्टिव रूलर था. Consequences. अब इसके consequences क्या हुए? Indian Rebellion of 1857. जो 1857 का rebellion हुआ, Indian Rebellion, वो था इसका main consequence. The annexation was one of the key factors that contributed to The annexation was one of the key factors that contributed to the outbreak of the rebellion. Many in Awadh and other parts of India was already discontented with British rule, and the annexation acted as a catalyst. AI facts. The advent of AI can be traced back to the work of cryptographers during World War II, who used early computing machines to crack military codes. Now, setting up a new administration, administrative and judicial forms. Let's read about the administrative and judicial forms, reforms. The political and trade victories of the English East India Company and the enormous wealth amassed by the governors brought the company under the scrutiny of the British Parliament. अब ये जो इतना वेल्थ इकट्ठा किया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर्स ने, उससे कंपनी जो थी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट की स्क्रूटनी में आ गई. इन 1773 द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द रेगुलेटिंग एक्ट व्हिच गेव द पार्लियामेंट ग्रेटर कंट्रोल ओवर द कंपनीज
territories in India. किसको मिला? पार्लियामेंट को कंट्रोल मिला, ग्रेटर कंट्रोल. अ काउंसिल कंप्राइजिंग द गवर्नर जनरल एंड फोर काउंसिलर्स वॉज अपॉइंटेड टू गवर्न बंगाल. द पिट्स इंडिया एक्ट 1784 फर्दर डीपेंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स कंट्रोल ओवर द कंपनी. और जो पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में, उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल और ज़्यादा हो गया कंपनी पे. अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज एस्टैब्लिश टू सुपरवाइज इट्स वर्किंग. The Charter Act of 1813 ended the company monopoly over trade in India and allowed other investors to trade with India. The Charter Act tha 1813 ka, usne company ki monopoly ko, East India Company ki monopoly ko, jo trade karne ki monopoly thi India mein, usko kya kar diya? End kar diya. Aur dusre investors aur traders ko India aane. The Governor General became the effective ruler of company territories in India. The greatest work of Cornwallis was the overhauling of the civil service by employing capable and honest public servants. He discovered that the servants of the company were underpaid, but that they received very high commissions on revenues. उनको commissions बहुत ज़्यादा मिलते थे revenues पे, लेकिन underpaid थे वो. In addition to that, they conducted forbidden and profitable private trade in the names of relatives and friends. Lord Cornwallis persuaded the directors of the company to pay handsome salaries to the company servants in order to free the servants of commercial and corrupt activities. Cornwallis secured the services of Sir William Jones, who was a judge and a great scholar, to reorganize the judicial system. Cornwallis ne kiske services ko secure kar diya? Sir William Jones ke, jo ek judge the aur ek bahut bade scholar bhi the. The highest civil and criminal courts of appeal, namely the Sardar Diwani Adalat and the Sardar Nizamat Adalat, were at the top of the judicial system and functioned in Calcutta. Both these bodies were presided over by the Governor General and his council. District and city courts functioned under European judges. किसके अंडर काम करते थे? यूरोपियन जजेस के अंडर डिस्ट्रिक्ट और सिटी कोर्ट्स फंक्शन करते थे. एवरी डिस्ट्रिक्ट वॉज प्रोवाइडेड विद अ कोर्ट. कॉर्नवालिस हैड रिमूव्ड द कलेक्टर्स ऑफ द जुडिशियल पावर्स एंड मेड देम सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू. एज अ रिजल्ट डिस्ट्रिक्ट जजेस वर अपॉइंटेड. इंडियन जजेस और मुंसिफ्स वर अपॉइंटेड टू द लोअर रंग पोजिशंस in all the courts of the judicial system. Sare courts mein judicial system ke jo lower position pe kaun appoint kiye gaye the? Munsifs, Indian judges ya munsifs. Cornwallis was merciful by temperament. He put a stop to barbarous punishments and abolished mutilation and trial by ordeal. Cornwallis ek bahut merciful insaan the, bahut dayalu the. Unhone ye jo barbarous punishments diye jati thi unko rok lagayi un pe. Then comes the police reforms. To maintain law and order, the British felt the need of regular police force. Ab law and order maintain karne ke liye British ko ek regular police force ki aavashyakta mehsoos hui. It was under Cornwallis that the police force became strong and meticulous. In 1791, a superintendent of police for Calcutta was appointed and the cities were placed under the charge of Kotwals. Jo cities the wo kiske charge mein aaye? Kotwals ke. Darogas were in charge of thanas or subdivisions of the districts. The hereditary village policeman became the chowkidar. Jo hereditary village policeman tha, usko chowkidar bana diya gaya. Like in the army, here too only the British officials were eligible for higher posts. Lekin yahan bhi police mein bhi army ki tarah hi jo higher posts pe hote the wo the Britishers. Now let's read the catalogue, children. Diwani, the revenue collection department of the state. Farmans, authorized privileges. Nawabs, local governors under the later Mughals. Martyred, to put to death for adhering to a belief of faith. Meticulous, giving or showing great attention to detail. Negotiation,
discussions at which people try to decide or agree something. Fine, children. Now, a look over to this chapter, what we have read till now. The European power, like the British, French, Portuguese and Dutch, came to India as traders in 17th century. 17th century mein ye log aaye the India as traders. A series of wars with Bengal, Mysore, Marathas and other Indian rulers and the French helped the British to establish their stronghold on India. These powers were in constant conflict with each other in order to monopolize trade in India. Lord Dalhousie annexed the Indian states on various grounds such as doctrine of lapse and maladministration, etc. Robert Clive used a manipulative strategy to defeat Siraj ud-Daulah, the Nawab of Bengal, in the Battle of Plassey, 1757. Now, children, let's do some exercise under this estimation corner. Choose the correct option. Dash implemented the doctrine of lapse. Wellesley, Dalhousie, Hastings, Cornwallis. Lord Dalhousie. Okay. Dash gave the British the first Farman. Akbar, Ashoka, Aurangzeb, Hyder Ali. Aurangzeb gave British the first Farman. In the Battle of Plassey, Dash was defeated. Farrukh Siyar, Murshid Kuli Khan, Aliwardi Khan, Siraj ud-Daulah. Siraj ud-Daulah was defeated. The Dash were the first to visit India for trade. British, Dutch, French, Portuguese. Portuguese were the first. The subsidiary alliance was introduced by Wellesley, Cornwallis, Sir Eyrecourt, Robert Clive. Kisne introduced kiya tha subsidiary alliance? Wellesley, Lord Wellesley introduced the subsidiary alliance. Fine, let's move further. Now let's do the fill in the blanks. The Marathas started fighting for power after the death of Dash, after the death of Shivaji. Okay, after the Battle of Plassey, the English received zamindari rights for Bengal. Okay, children, the doctrine of subsidiary alliance was initiated by Dash, the Governor General of India, from 1798 to 1805. So it was initiated by Wellesley. Okay, children, double S. The Dash of lapse was a policy of annexation started by Lord Dalhousie. It was the doctrine of lapse. Doctrine of lapse. To maintain law and order, the British felt the need of a regular police. Regular police force. The Battle of Buxar was fought in the year. Kab lada gaya tha Battle of Buxar? In the year 1764. Okay. Now state whether the following statements are true or false. Queen Victoria sanctioned the establishment of the English East India Company. This is false. Lord Dalhousie annexed Awadh because of misgovernment. True. The Maratha power was crushed in the third Anglo-Maratha War. Yes, this is also true. Lord Cornwallis introduced codification of law in India. True. Robert Clive introduced the dual system of government in Bengal, which gave the company all the powers. Yes, this is also true, children. In 1971, a superintendent of police for Calcutta was appointed and the cities were placed under the charge of Kotwals. This is false. Okay, so I hope you have understood the chapter very well, and thanks for watching the video. Keep learning. We'll meet soon with a new chapter. Till then, bye.